दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है चल रही है और परीक्षा संपन्न हो चुकी है और बीपीएससी की तरफ से आज की तारीख में एक नया नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। अगर आप अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फटाफट से आपको ये काम कर लेना चाहिए। अगर आपका जो स्कोर बन रहा है यूट्यूब की आंसर की मिलाने से वो कितना बन रहा है उसकी भी हम बात करेंगे और आपको बहुत सारे जरूरी काम है जो फटाफट से कर लेने, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से काम बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज की तारीख में जो नोटिस जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, और ये 28 तारीख को अभी कुछ ही देर पहले ये नोटिस आया है। कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या इतना विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के 9-10 माध्यमिक एवं 11-12 उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके मूल प्रमाण पत्रों कागजातों के साथ दिनांक 4/9/2023 से 12/9/2023 तक जिला स्तर पर किया जाना है। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज पटना मुख्यालय में कराया जाएगा, यानी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पटना मुख्यालय में होगा। अभ्यर्थी अपना दस्तावेज सत्यापन निर्धारित अवधि के अंदर अपने जिला मुख्यालय में कराना सुनिश्चित करें। एक और नोटिस जारी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे नोटिस तो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए है, अन्य स्टेट का यहाँ पर क्या रोल है। देखिए, अब जो भी लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अन्य स्टेट से सेलेक्ट होंगे या फिर बिहार के जो लोग सेलेक्ट होंगे उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराना ही है। जरूरी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, बट जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री आपको नहीं दी जाती है। डिग्री के लिए कई यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है कि अगर आपको अर्जेंट में डिग्री की आवश्यकता है तो आपको वहाँ के जो हेड ऑफिस है यूनिवर्सिटी का वहाँ आपको जाना पड़ सकता है और उसका भी एक प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि आप जाएं वहाँ पर और डिग्री लेकर के चले जाएं। कई सारी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री जो है ऑनलाइन माध्यम से भी प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं और अगर आपका कट ऑफ यूट्यूब की आंसर की मिलाने से अगर आपका कट ऑफ यानी आपका जो नंबर है क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना सही हो रहा है, लगभग अगर आपका नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है 60 के आसपास है, फीमेल कैंडिडेट हो या फिर मेल हो, अगर आपके 60 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं, प्लस माइनस 5 चलेगा, यानी 55 से 65 के बीच इनका नंबर है मेल और फीमेल, वो सभी लोग थोड़ा सा डिग्री वाला काम अपना करा ले। क्योंकि अगर अचानक से कोई फैसला आए और आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 3-4 दिन का समय होगा और अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो फिर आपको बहुत पछतावा हो सकता है, बहुत आपका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो सकता है। मान लिया ऑनलाइन डिग्री या अर्जेंट में आपको डिग्री की आवश्यकता होगी, पैसा अधिक खर्च होगा, डिग्री तो मिल जाएगी, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया अभी कर लें और डिग्री आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो उसको मंगवा लीजिए, जो भी प्रोसेस है उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए या ऑफलाइन है तो उसको आप प्रोसेस पता करा लीजिए, ठीक है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है उसकी अगर आपके अंक पत्र नहीं है तो वो भी आप अपने कॉलेज में जा करके पता कर लीजिए कि क्या प्रोसेस है। यहाँ पर एक और नोटिस जारी किया गया है, वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के संदर्भ में है कि उनका जो है मेडिकल 1/9/2023 से 8/9/2023 तक जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता की जांच कराया जाना है। यदि विशेष कारणों से दिव्यांगता की जांच जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से संभव नहीं होती तो ऐसी स्थिति में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी को IGIMS PMCH में अग्रसारित करेंगे। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जाँच पटना के IGIMS PMCH में कराया जाएगा। तो यहाँ पर दो बड़ी अपडेट हैं, हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आपको जानकारी हो जाए कि किस तरीके से BPSC तेजी से अपना काम कर रहा है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 3-4 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद भी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछें।